ये फोर एटम हैं और इनके सेंटर पे ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, और हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम क्या है? ये है रेडियस ऑफ एटम, ये इस एटम की रेडियस आर, इस एटम की रेडियस आर। रेडियस ऑफ एटम एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ एटम, और इसके आगे ये स्मॉल आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर ये स्मॉल आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ एटम। तो देखो ये एक स्क्वायर बनने वाला है, और स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आप बोलोगे सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो 6 एटम थे, 6 एटम के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल होल था। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये इस प्लेन में हो सकता है, ये जो प्लेन है वो ऐसा ना हो के वो इस प्लेन में है, आप उसको ऐसा समझो, ये थोड़ा सा टिल्टेड प्लेन में, ठीक है। तो हम इस प्लेन की बात ना करके, इस प्लेन की बात ना करके हम कुछ इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर उसको थ्री डायमेंशनली आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस बेस आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, तो टू आर का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देते हैं, टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। अब ये टू कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट टू आर स्क्वायर। तब इसको हटा देंगे, स्क्वायर चला जाएगा, तो हो जाएगा रूट टू आर आर प्लस स्मॉल आर। तो रूट टू आर को हम क्या लिख सकते हैं? रूट टू होता है 1.414 आर, और ये आर प्लस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 1.414 आर माइनस आर। तो R इज इक्वल टू 0.414 आर। तो स्मॉल r, स्मॉल मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.414। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ एटम। अब इस रेशियो से हमें ये समझ में आया कि अगर रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू द रेडियस ऑफ एटम, इसका रेशियो 0.414 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो अब देखो हम रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन क्या होगा? वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, इनका रेडियस रेशियो, इनका ये रेडियस रेशियो है, और यहाँ हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ये 0.414, पहले अपन देखते हैं 0 से 0.212, अगर ये रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, सॉरी 0.225 है।
अगर ये रेडियस रेशियो रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और इसका एग्जांपल है B2O3। फिर वैसे ही 0.225 से 0.414 तक रहा, इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और इसका एग्जांपल है जैसे ZNS। फिर 0.414 से 0.732 के बीच रहा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। मतलब अगर ये रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू द रेडियस ऑफ एटम, इसका रेशियो अगर 0.732 तक रहेगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और इसका एग्जांपल है NaCl, KBr, NaBr। 0.732 से अगर ये रेडियस रेशियो 1 के बीच रहा, 0.732 से 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। इसमें सीजियम वाले आ जाते हैं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड। अब देखो सीजियम कैटायन का रेडियस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये जो कैटायन है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा, और क्लोराइड क्या है ये यहाँ पर आएंगे। तो कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, NaCl का 6:6 है, सीजियम क्लोराइड का 8:8 है। इसका मतलब है कि एक सीजियम 8 क्लोराइड से सराउंडेड है और एक क्लोरीन 8 सीजियम से सराउंडेड है। फिर CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो Ca कैल्शियम कम है, फ्लोरीन ज़्यादा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा 8, और फ्लोरीन ज़्यादा है कैल्शियम कम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कम। वैसे ही Na2O में उल्टा कर दो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसका क्या हो जाएगा 4। तो ZnS, NaCl, सीजियम क्लोराइड, CaF2, Na2O, ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिए। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इन अ AB टाइप क्रिस्टल रेडियस ऑफ कैटायन इज 148 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एनायन इज 195 पिकोमीटर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन। इसमें करना क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन करो और रेडियस रेशियो निकालो। रेडियस ऑफ कैटायन 148, ये क्या हो गया 195। अब देखो यहाँ तो हमें एक रेंज निकालनी है, ठीक है, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। अप्रॉक्स के लिए ये 148 है, इसको आप अप्रॉक्स कर लो 150 और इसको कर लो 200। 3 + 5 = 15, 5 × 4 = 20, 3/4, तो ये हो जाएगा 0.75। तो 0.75 इस रेंज में आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, और ये एक तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये CsCl टाइप का स्ट्रक्चर है। अब CsCl टाइप का क्या होता है, जैसे यहाँ सीजियम है, इस तरह का यूनिट सेल बना लूँ, यहाँ सीजियम है और क्लोराइड है इसके सभी कॉर्नर पे, 4 क्लोराइड ऊपर 4 क्लोराइड नीचे, तो एक सीजियम 8 क्लोरीन से सराउंडेड। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे सीजियम है, BCC स्ट्रक्चर।